हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर ये है एक्सरसाइज का दूसरा नंबर 1.2। क्वेश्चन ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकुलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसमें दो क्वेश्चन दे रहा है। पहला ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, और दूसरा ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन की क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। तो गिवन में दे रहा है कि दो स्फीयर है, जैसे पहला स्फीयर दे रहा है 0.4 माइक्रोकुलम, तो इसे अगर हम चेंज करेंगे तो माइक्रो होता है 10^-6, Q2 होता है Q2 दे रखा है -0.8 माइक्रोकुलम, तो Q2 हो जाएगा -0.8 × 10^-6 कूलम। और R कितना दे रहा है, तो R दे रहा है यहाँ पर, R आपको फाइंड करना है, फोर्स दे रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे K Q1 Q2 / R² जो जो वैल्यूज़ पता है उसको डाल दीजिए। फोर्स की जगह 0.2 न्यूटन, K की जगह 9 × 10^9 और Q1 की जगह डाल देंगे 0.4 × 10^-6 और Q2 की जगह डाल देंगे 0.8 × 10^-6 और R की जगह R ही तो फाइंड करना है, तो R². अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R² = हो जाएगा 9 × 10^-6 तो 9 × −12 × 0.4 × 0.8/0.2। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 10, यहाँ से भी डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा, ये डेसिमल हटा तो ऊपर 10, तो 10 से 10 कट गया, 2 से ये कट गया 4 times। ठीक है, अब नीचे बच गया 10, तो देखिए R² है तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 2 times जाएगा, ये 2 से 4 2 times, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 8 × 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और 10^9 × −12 और ये 10 ऊपर जाएगा तो -1, तो टोटल आ गया आपका R² = 3 × 3 × 4 × 4 × 10^13, मतलब कि -4। तो ये इसका रूट हो जाएगा R = इसका पेयर लगा 3, इसका पेयर लगा 4 और -4 है तो -2, मतलब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा R = 4 × 3 = 12 × 10^-2 मीटर। ठीक है, ये R का वैल्यू है, ये A नंबर का सॉल्यूशन है। B नंबर कहता है कि दूसरे की वजह से पहले पर कितना लगेगा, तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है कूलम्स लॉ, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो पहला दूसरे पर या दूसरा पहले पर 0.2 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा।